सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी जानोगे कैसे आप बिना फोन को टच किए भी अपने फोन कॉल को रिसीव कर सकते हो एमआई स्मार्टफोन के अंदर। तो ये फीचर मुझे काफी अच्छा लगा। दोस्तों, अगर आप भी कुछ ऐसे ही करना चाहते हो अपने स्मार्टफोन में तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों, अगर यहाँ पर आप अपने फोन में ब्लूटूथ या फिर हैंडसेट का इस्तेमाल करते हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी कॉल को पिक कर सकते हो लेकिन अगर किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल साबलॉजी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर देना ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के मोबाइल फोन पर मिलते रहे और आप हमारे YouTube चैनल से कनेक्ट रहे। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं आप सभी को वो सेटिंग दिखाने वाला हूँ जिसकी वजह से आप अपने फोन में बिना फोन टच किए भी कॉल को पिक कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और नीचे कॉमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कॉमेंट करके जरूर बताना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना, आपको अपने फोन के डायलर को ओपन कर लेना। अब यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको 3 लाइन देखने को मिल रहा है, सबसे पहले आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, और यहाँ पर आपको सेटिंग का सिंबल देखने को मिल रहा है, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना। देन आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाना, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऑटो आंसर का। अब दोस्तों, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी कमाल का फीचर लगा मुझे। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इसको टर्न ऑन करते हो तो यहाँ सारे फीचर यहाँ पर आपके शो हो जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हो कि ऑलवेज, यानी कि इसका मतलब है दोस्तों, अगर जब भी फ़ोन आएगा तो आपका फ़ोन जो है ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नंबर 2 की, तो यहाँ पर आपका हैंडसेट आता है। दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन में हैंडसेट यूज़ करते हो, अगर आपके फ़ोन से आपका हैंडसेट कनेक्ट है तो यहाँ पर आपका जो कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपका फ़ोन से आपका जो हैंडसेट है वो डिसकनेक्ट है, यानी कि नहीं कनेक्ट है, तो यहाँ पर आपका कॉल पिक नहीं होगा। और दूसरा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिला ब्लूटूथ का। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अगर ब्लूटूथ आपके डिवाइस से कनेक्ट है तभी आपका कॉल पिक होगा, अदरवाइज यहाँ पर कॉल पिक नहीं होगा। इसी तरह से आप यहाँ पर अगर आप इन दोनों में से कुछ भी यूज करते हैं, अगर आपके पास यहाँ पर दोनों ही चीजें हैं तो यहाँ पर आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। जब भी इनमें से कोई भी डिवाइस आपके फोन से कनेक्ट होगा और आपका कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।